नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। मैं शिवम सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी का हुआ बंटा था, बीजेपी के नेता हुए दिशाहीन, दिल्ली में बीजेपी हुई मुद्दा विहीन। जी हाँ, दिल्ली में भाजपा को कुछ महीनों बाद ही विधानसभा का महत्वपूर्ण चुनाव लड़ना है, लेकिन हालत ये है कि भाजपा की राज्य इकाई को चुनाव में उतरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से दिल्ली भाजपा के नेताओं में चौतरफा निराशा देखने को मिल रही है। न केवल अंदरूनी कलह बल्कि अब तो मुद्दा विहीन स्थिति से भी भाजपा को जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बेहतरीन योजनाओं से एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है। दिल्ली की जनता की तकरीबन सभी समस्याओं का समाधान केजरीवाल सरकार एक के बाद एक करती जा रही है और हर वर्ग के साथ केजरीवाल का संपर्क मजबूत होता जा रहा है, लिहाजा बीजेपी के खेमे में निराशा पसरी हुई है। दिल्ली भाजपा के नेता राजधानी में मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेहतरीन रणनीति और शानदार चक्रव्यूह को तोड़ने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। दिल्ली भाजपा के स्थानीय नेता एक दूसरे के खिलाफ अंदरूनी झगड़े में भी अपना ज्यादातर वक्त लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी चुनावी तैयारियां ना के बराबर ही हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने जनसंवाद कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनता तक सीधे पहुंच बनाने में कामयाब हो रही है। चुनावी तैयारियों के लिहाज से आम आदमी पार्टी बीजेपी से कोसों आगे चल रही है। यही कारण है कि दिल्ली बीजेपी के नेता धीरे धीरे हथियार डालते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।